आइए दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AS 19, दैट इज लीजेस। नाउ ग्रुप वन में हमारा एक टॉपिक है हायर परचेज। ना हायर परचेज में क्या होता है, हमको एसेट का पोजीशन मिल जाता है, राइट, एंड आई अग्रीड टू पे द सेलर इन इंस्टॉलमेंट्स, एंड जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट देता हूं तो मेरे को ओनरशिप भी मिल जाता है। अकाउंटिंग फॉर लीजेस भी कुछ उसी टाइप का है, लेकिन लीज में दो टाइप के लीज आते हैं। एक आता है आपका फाइनेंस लीज और एक आता है आपका ऑपरेटिंग लीज। हमारे एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछेगा लीज का, बताइए ये कौन सा लीज है, फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है। मैं आपको समझाता हूं फाइनेंस लीज में होता क्या है एंड ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, पहले आप ये समझिए। लेकिन उसके पहले सर आप मेरे को ये समझाइए कि लीजेस का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा लीजेस का मतलब। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको केस दे देगा, बोलेगा बताइए 5 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 AS का क्वेश्चन होता है उसमें हमारे को पूछेगा कि भैया बताओ ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज है, राइट। ये बात। उसके बाद हमको पूछेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसे वहां पर भी है ग्रुप वन में जो हायर परचेस की चैप्टर थी उसमें भी हम लोगों को पूछता था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ बायर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ सेलर। यहां पर भी होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, जिसने भाड़े पे लिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर, जिसने भाड़े पे दिया है। तो ये पूछेगा। फर्दर एक टॉपिक हमारा है सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, वो भी हमको पूछ सकता है। तो ये सब क्या होता है हम लोग धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा लेंदी है लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इसको कवर करेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं लीज का क्या मतलब होता है। अगर कोई भी मेरे को पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लीज, तो मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहला ये एक अग्रीमेंट है, जैसे हायर परचेस एक अग्रीमेंट होता है वैसे ही लीज एक अग्रीमेंट है। Wherein the lesser gives the right to use asset to the lessee, wherein the lesser gives the right to use asset to the lessee. For a certain period of time, 3 साल 4 साल 5 साल, in return for a payment or series of payments. लिख लीजिए, क्लियर है। इंक्लूड्स हायर परचेस
अग्रीमेंट्स। तो अगर कोई मेरे को लीज का डेफिनेशन पूछ लिया, तो लीज एक अग्रीमेंट है बिटवीन लेसर एंड लेसी, जहां पे लेसर राइट टू यूज एसेट देता है लेसी को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और बदले में उसको क्या चाहिए, कंसिडरेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हायर परचेस अग्रीमेंट्स। इज दैट फाइन? ठीक है। सो अगर कोई मेरे को पूछेगा लीज क्या है, रेंटल अग्रीमेंट समझ लो भैया, सीधी पाती भाषा में रेंटल अग्रीमेंट, राइट? इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन द लेसर एंड द लेसी, वेयर इन द लेसर गिव्स द राइट टू यूज द एसेट टू द लेसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, बदले में लेसी लेसर को कंसिडरेशन देता है, सीरीज ऑफ कंसिडरेशन देगा। इट इंक्लूड्स हायर परचेस अग्रीमेंट्स। Is that fine? Now, lease दो टाइप के होते हैं। एक होता है फाइनेंस लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। हायर परचेज अग्रीमेंट जो भी होते हैं वो फाइनेंस लीज में आते हैं। नाउ फाइनेंस लीज वर्सेस ऑपरेटिंग लीज अगर कोई मेरे को पूछेगा, देर आर सम इंडिकेटर्स बाय विच यू कैन जज, से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एसेट का इकोनॉमिक लाइफ किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ इज टोटल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय यूजफुल लाइफ? ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको समझना पड़ेगा। यूजफुल लाइफ इज लाइफ यूज्ड बाय द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द एसेट इज यूज्ड बाय द लेसी। तो अगर मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूं, अगर इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल्स टू यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या हो गया, टोटल लाइफ ऑफ द एसेट, और ये लाइफ ड्यूरिंग विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय लेसी। एकदम सिंपल, एकदम धीरे धीरे जाएंगे हम लोग। अगर हमारा इकोनॉमिक लाइफ इज इक्वल्स टू यूजफुल लाइफ, मतलब एसेट का जो लाइफ है मैंने पूरे का पूरा वो ड्यूरिंग दैट लाइफ मैंने भाड़े पे दे दिया, इट हैज टू बी फाइनेंस लीज। और अगर इकोनॉमिक लाइफ इज मोर देन यूजफुल लाइफ, इसका मतलब मैंने तुमको भाड़े पे दिया, मैं तुमसे लेके फिर किसी और को दूंगा, इन दैट केस इट हैज टू बी ऑपरेटिंग लीज। काफी सारे और भी इंडिकेटर्स है बाई विच वी कैन जज। यहां पर लीज रेंटल्स थोड़े हाई होते हैं, जो भाड़ा होता है, यहां पर लीज रेंटल्स लो, स्वाभाविक सी बात है ना। फाइनेंस लीज के केस में क्या होगा,
आज एसेट का लाइफ 4 साल है और मेरा 10 लाख रुपए लग गया उस एसेट को खरीदने में, तो मैं क्या चाहूंगा, 4 साल में मेरे को ऐसा भाड़ा मिले कि मेरा 10 लाख रुपए उठ जाए। वही मान लो मैंने अगर 10 लाख में एसेट खरीदा है और उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, मैं तुमको 4 साल ही भाड़े में दे रहा हूं, तो पूरा थोड़ी मैं तुमसे उठाऊंगा, 4 साल तक का मैं तुमसे उठाऊंगा, बाकी फिर किसी और से लूंगा। फाइनेंस लीज में एक परचेज ऑप्शन होता है, इसमें क्योंकि एसेट में अभी भी जान बाकी है, यहां पे कोई परचेज ऑप्शन नहीं होता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड, पासेस टू द लेसी इवन दो द लीगल ऑनर इज लेसर। यहां पे नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, तो मैंने आपको काफी सारा पॉइंट बता दिया, लेट अस समराइज दैट। पहला इंडिकेटर तो ये है, दूसरे यहां पे लीज रेंटल्स हाई होते हैं, यहां आपको परचेज ऑप्शन मिलेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका, रिपेयरिंग भी आप करवाएंगे, सब कुछ आप करवाएंगे। इज दैट फाइन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अच्छा, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, मिनिमम लीज रेंटल किसको बोला जाता है, इसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं MLP। क्या बोलेंगे इसको अपने? मिनिमम लीज रेंटल, MLP। बेसिकली इसको बोलते हैं पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म विच द लेसी is required to make to the lesser।
ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब लेसी लेसर को कितना पेमेंट करेगा ओवर द लीज टर्म। तो इन केस ऑफ फाइनेंस लीज ऑलमोस्ट दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यस और नो? इट डज नॉट इंक्लूड कंटिंजेंट रेंट, फॉर एग्जाम्पल 3% ऑफ सेल्स। आज तुम मेरा एसेट यूज कर रहे हो, इससे तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, इससे तुमको कमाई हो रही है, उसका कुछ परसेंटेज मेरा बनता है, तो वो चीज यहां पे इंक्लूड नहीं होगा। कंटिंजेंट रेंट एमएलपी में नहीं आएगा, जो फिक्स होगा वही चीज आएगा। एमएलपी इंक्लूड्स रेसिडुअल वैल्यू जैसे अगर मैं लेसी की बात करूं तो इसमें आएगा एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड ऑन और बिहाफ ऑफ लेसी। या तो कोई भी रेसिडुअल वैल्यू, जैसे 5 साल का लाइफ है, मैंने 5 साल का तुमको लीज टर्म में दे दिया, तो फाइनेंस लीज हो गया ये। अभी 5 साल के बाद में परचेज ऑप्शन में तुमने बोल दिया भैया 5 साल बाद मैं इसको 10,000 रुपए रेसिडुअल वैल्यू में, मतलब स्क्रैप वैल्यू में खरीद लूंगा, या मेरे बिहाफ में किसी और ने गारंटी कर दिया ऑन और बिहाफ ऑफ मी, तो वो एमएलपी में ऐड होगा। अगर मैं लेसर की बात करूं एनी आरवी गारंटीड बाय लेसी तो आएगा ही, और एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। से फॉर एग्जाम्पल लेसी बोलता है मैं नहीं खरीदना, मैंने नहीं खरीदना इसको, मैंने नहीं खरीदना एट द एंड ऑफ लीज टर्म, मैं क्या करूंगा इस स्क्रैप का, तो किसी थर्ड पार्टी से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया 5 साल बाद मैं तुमको ये एसेट बेचूंगा, तो उसने गारंटी कर दिया। इज दैट फाइन? बोलिए। तो एमएलपी मतलब हो गया भाड़ा, राइट? एमएलपी मतलब हो गया भाड़ा, पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म विच द लेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक टू द लेसर। इट डज नॉट इंक्लूड कंटिंजेंट रेंट। एमएलपी में रेसिडुअल वैल्यू आएगा। अगर लीज रेंटल लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल ले तो वही लेंगे रेसिडुअल वैल्यू जो लेसी ने गारंटी किया है, और अगर लीज रेंटल की वैल्यू हम लोग लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो लेसी ने जो गारंटी किया वो तो लेंगे, या कोई थर्ड पार्टी अगर कोई है गारंटी कर रहा है तो वो लेंगे। ठीक है,
इज दैट फाइन? आइए क्वेश्चन नंबर वन रीड करो. राइट आनंद एंड बालू आर द लेसर एंड लेसी. ठीक है, मंथली रीज रेंटल है 25,000. राइट तो मंथली लीज रेंटल दे दिया 25,000. लीज टर्म एकदम शांति से समझना बेटा, अभी टाइम दोगे तभी समझ में आएगा. हायर परचेज हमारा ग्रुप वन में किया हुआ है, सिमिलर टू दैट ही है, लेकिन इसमें दो टाइप के एग्रीमेंट है. एक हायर परचेज वाला जिसमें अपने को ओनरशिप मिल जाता है, एंड उसमें क्या रेसिडुअल वैल्यू कुछ गारंटी वगैरह करना नहीं पड़ता. वो हायर परचेज का जो पार्ट होता है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि पूरा एसेट का प्राइस कवर अप हो जाता है वहां पर. राइट तो लास्ट में ऑटोमेटिकली वो एसेट मेरा हो जाता है, उसमें मेरे को परचेज ऑप्शन नहीं दिया जाता, वो ऑटोमेटिक है उसमें. लेकिन यहां पर स्लाइड चेंज है, मैं आपको राइट टू यूज दे रहा हूं और एंड ऑफ द टाइम में मैं आपको ऑप्शन दूंगा खरीदने का. राइट तो इसमें दो टाइप के लीज होते हैं, एक होते फाइनेंस लीज, एक होता ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग मतलब जो हमारा डे टू डे हम लोग जो भाड़े में लेते हैं वो वाला चीज. तो इसमें मैंने इंडिकेटर्स बताया, जब पूरा एसेट का लाइफ इज इक्वल्स टू यूजफुल लाइफ तो ऑटोमेटिकली ये फाइनेंस लीज ही होगा. फाइनेंस लीज मतलब ही हायर परचेज अग्रीमेंट. मिनिमम लीज रेंटल एचपी अग्रीमेंट में हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट के नाम से बुलाते हैं. राइट आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मंथली लीज रेंट है हमारा 25,000, लीज टर्म है 32 महीना. चंद्रुवत थर्ड पार्टी प्रोवाइड्स अ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ बालू. मतलब ये किसका थर्ड पार्टी है? लेसी का. ठीक है, ये लेसी वाला गारंटीड होगा 55,000. आइए तो पहले हम लोग निकालेंगे एमएलपी लेसी. एमएलपी लेसी विल बी 25,000 इंटू 32. प्लस लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे तो लेसी कोई भी गारंटी करेगा या उसके बिहाफ में जो गारंटी करेगा वो आएगा एमएलपी में. प्लस 55,000 तो ये आ रहा मेरा 8,55,000. पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वन का फर्स्ट पार्ट. एमएलपी लेसर, लीज रेंटल तो लेना ही है,
प्लस गारंटीड बाय लेसर भी लेना है, गारंटीड बाय लेसी, सॉरी लेसर में दो चीज आएगा, एनी रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी और या कोई थर्ड पार्टी भी गारंटी करता है तो भी वो आएगा। इज दैट फाइन? तो यहां पे ये वाला चीज है नहीं, तो इसमें ये भी सेम आ रहा है। जाहिर सी बात है कोई थर्ड पार्टी अगर लेसर को बोलता है, सपोज मान लो हमने किसी से भाड़े में लिया, हमको परचेज ऑप्शन दिया था, हमने ठुकरा दिया, अब उसने किसी और के साथ अपना अग्रीमेंट किया कि भैया यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद मैं आपको ये दे दूंगा स्क्रैप में, तो वो पैसे ना लेसी को देने हैं, तो इसलिए लेसी का जब एमएलपी कैलकुलेट हुआ तो उसमें वो चीज आया ही नहीं। पैसे मिलने किसको है? लेसर को। तो लेसर का कैलकुलेशन करते हुए अगर कोई भी पार्ट थर्ड पार्टी गारंटी करता है इंडिपेंडेंट, वो लेसर को फायदा होगा, इसलिए एमएलपी लेसर में आ रहा है वो। इज दैट फाइन? आपने समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट टू। टू में अपने को लेना है एमएलपी लेसी वापस से। क्या लिखा है? मंथली लीज रेंटल है 15,000। अच्छा तो ये जो 15,000 है ये 48 मंथ्स का है, प्लस एनी गारंटीड बाय द लेसी लेना है, एनी अमाउंट गारंटीड बाय द लेसी 10,000, प्लस कंटिंजेंट रेंट पाप भी नहीं करेंगे, कंटिंजेंट रेंट एमएलपी में नहीं आएगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा? सेवन लैख 30 एमएलपी लेसर सेम है, 7,30,000। नंबर थ्री, कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है। मंथली लीज रेंटल है, अभी लिखा है 90,000 इंटू 18 प्लस एक होता है एंड ऑफ द लीज टर्म में परचेज ऑप्शन, तो उस समय स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये कहीं पे बीच में ही परचेज ऑप्शन दे दिया गया, राइट? परचेज ऑप्शन एंड में अगर होगा परचेज ऑप्शन तो रेसिडुअल वैल्यू, बीच में अगर होगा तो नॉर्मल आपको कुछ दाम देना पड़ेगा, अच्छा दाम, राइट? तो लीज रेंटल हो गया, सडनली फिर परचेज ऑप्शन मिल रहा है, तो लेसी को बोला जा रहा है या तो तुम 2,00,000 दो लाख में खरीद लो, हालांकि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 4,20,000, तो 2,00,000 लेंगे, जो लोअर होगा वो वाला लेंगे। परचेज ऑप्शन में लेसी ये देगा, कितना आ रहा
राइट, इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? एक होता है भैया भाड़ा देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बीच में एक परचेज ऑप्शन डाल दिया, 2 लाख में खरीद लो, और एक होगा भाड़ा देते जाओ एंड में, तो ये रेसिडुअल वैल्यू में ही सेटिंग होगा यहां पे, और यहां पे नॉर्मल दाम में होगा, तो लिखा है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। राइट, आइए नेक्स्ट। तो अभी हम लोग करेंगे, हेडिंग दे दो फाइनेंस लीज लेसीज बुक, फाइनेंस लीज लेसी का बुक हम लोग पहले करेंगे। नाउ फाइनेंस लीज में जब जो एसेट का इकोनॉमिक लाइफ है, थ्रू आउट दैट इकोनॉमिक लाइफ वो उस एसेट मेरे पास ही है, हमारे को एक परचेज ऑप्शन दिया गया है, तो ये फाइनेंस लीज हो गया। तो फाइनेंस लीज में जैसे हायर परचेस एग्रीमेंट में क्या होता है, हमको पोजेशन मिल जाता है, राइट टू यूज मिल जाता है, बट ओनरशिप नहीं मिलता। लीगल ओनर आज भी हायर वेंडर है, तो फाइनेंस लीज में भी लीगल ओनर आज भी लेसर है, लेकिन आई हैव द राइट टू यूज द एसेट, आई हैव राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, सो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रिमेंबर। तो फाइनेंस लीज में लेसी will show it as an asset. Is that fine? जैसे हायर परचेस अग्रीमेंट में, अच्छा वहां पर अपने जब एसेट को दिखाते थे तो क्या प्राइस पे दिखाते थे, कैश प्राइस में, यहां पे क्या प्राइस पे दिखाएंगे, आइए लिखिए। लेसर विल बी शोन एज अ लाइबिलिटी इन lessee's book at the same value at which
एस इट इज रिकॉर्डेड। हम लोग किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसने राइट टू यूज में लिया है, मतलब परचेजर के बारे में बात हो रहा है। तो परचेजर इस चीज को राइट क्या बोल कर दिखाएगा, एज एन एसेट दिखाएगा, राइट टू यूज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। दो लेसर लीगल ओनर है, बट आई विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड ओनर। तो लेसी को क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर। तो लेसी इसको एसेट दिखाएगा। वहां पे लाइबिलिटी हायर वेंडर होता था, यहां पे लेसर को लाइबिलिटी दिखाया जाएगा, राइट। तो वहां पे होता था कैश प्राइस, यहां पे क्या है, एसेट एंड लाइबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। नंबर टू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी। अब मेरे को आपको नहीं बताना पड़ेगा एमएलपी लेसी क्या है, दोनों में जो लोअर है। सबसे पहला आपने किसका बुक्स कर रहे हैं, लेसी का बुक्स कर रहे हैं। लेसी इसको क्या दिखाएगा, एसेट दिखाएगा, बहुत बढ़िया बात है। तो लेसी को ये भाड़ा किसको देना, लेसर को। तो लेसर को वो लाइबिलिटी दिखाएगा। अगर किसी जैसे हायर परचेस अग्रीमेंट में एसेट इज शोन एट कैश प्राइस, लाइबिलिटी इज शोन एट कैश प्राइस, फिर फाइनेंस चार्ज आउट होता था, इंस्टॉलमेंट देते जाते। तो यहां पर भी वो कैश प्राइस तो नहीं होगा, बट कुछ एक होगा, क्या है वो, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब इंसेप्शन ऑफ द लीज टर्म, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी, क्योंकि अपने लेसी का बुक्स कर रहे हैं। जो भी चीज लेसी ने लिया है भाड़े में, उसको लेसी एसेट दिखाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी विल बी लेसर, राइट। इज दैट फाइन एवरीवन, बोलो। ठीक है,
अच्छा अभी ध्यान दीजिए, जब आपको ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो इसके लिए आपको एक डिस्काउंट रेट चाहिए, तभी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल पाएंगे। ये डिस्काउंट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, बेसिकली IRR, रिमेंबर FM में कैपिटल बजटिंग, इट इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट मतलब आउटफ्लो। अगर यह डिटरमाइनेबल नहीं है तो लेसीज बोरोइंग रेट ले लेंगे, तब अपने क्या करेंगे, लेसी का बोरोइंग रेट लेंगे। ठीक है सर, ये लेसी लीज का इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट मतलब ध्यान से देखिए, आज मैंने पैसे लगाए 10 लाख रुपए, मेरे को ये मिल रहा है 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड होता है बाय द अमाउंट बाय विच, एक होता है ना नॉर्मल, कोई थर्ड पार्टी ने गारंटी नहीं किया, से फॉर एग्जांपल 90,000 रेसिडुअल वैल्यू मेरे को लगता है इसका होगा, 90,000 इज द रेसिडुअल वैल्यू, नाउ गारंटीड इज 70,000, तो ऑटोमेटिकली अनगारंटीड हो गया 20,000। जब भी ये रेट इंप्लिसिट इन द लीज होगा ना, हमेशा ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, तो गारंटीड या तो ऑन बिहाफ ऑफ लेसी या बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज इज द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP lesser plus unguaranteed residual value is equals to fair value। ऐसा रेट बताओ जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP lesser प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू फेयर वैल्यू। हमको बताओ फाइनेंस लीज में क्या दिखाएंगे प्रोडक्ट को, जिसको आप राइट टू यूज में लिए हैं फाइनेंस लीज में एज एन एसेट, लीज को आप क्या दिखाएंगे एज एन एसेट।
तो लेसर को आपको लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा एट द सेम वैल्यू एट विच एसेट इज रिकॉर्डेड, राइट? इज दैट फाइन? तो एसेट एंड लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ दीज टू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी लेसी, क्योंकि लेसी का बुक बना रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट रेट क्या लेंगे? डिस्काउंट रेट लिया जाएगा इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज, तो लीज वाला इंटरेस्ट रेट निकालना, मतलब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा, और अगर नॉट डिटरमाइनेबल है तो लेसी का बोरोइंग रेट ले लेंगे। तो सबसे पहला अपने को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकालिए। आइए चलिए, तो हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप लोग, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, जस्ट गिव अ रीडिंग। आई एम गोइंग स्लो बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट ऑन द लीज, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एनुअल लीज रेंटल 1, 2, 3, 4, 5 अस्सी और अस्सी प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई गारंटी लेसी किया है वो, या कोई थर्ड पार्टी गारंटी किया है वो, राइट? तो यहां पे सीधा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बोल दिया 40,000। अच्छा, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी दे दिया, एनी रेसिडुअल वैल्यू इन एक्सेस ऑफ गारंटीड। तो ऐसा रेट जिसमें इन सबका प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू विच इज 3,20,000। IIR में भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, इज दैट फाइन? आइए, लेट आर इज इक्वल्स टू 10%, पहले इक्वेशन बना लो, 3,20,000 इज इक्वल्स टू 80,000 इंटू PVIFA आर परसेंट कॉमा 5 years प्लस स्क्रैप वैल्यू 64 है, इसमें इंटू कर देंगे PVIFA नहीं आर परसेंट कॉमा 5th year, तो RHS क्या आएगा, 80,000 इंटू PVIFA 10% कॉमा 5 year प्लस
64 इंटू पी वी आई एफ 10% कॉमा फिफ्थ ईयर, तो अभी आपको या तो एन्यूटी टेबल दे देगा या आपको निकालना पड़ेगा, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, 80,000 का 10% वाला तो भाई हम लोग को याद है, 5 साल का है 3.79 प्लस 64,000 इंटू फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.6 2 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621. कितना आ रहा है? 342 बोलो, 994। तो अपने को 320 चाहिए, हाँ, तो रेट ज्यादा लेना पड़ेगा, तो अपने एक काम करो 14 ले लो, 12 भी ले सकते हैं लेकिन फिर करना पड़ता, 12 320 के ऊपर ही आएगा, 16 भी ले सकते हैं, ठीक है, हाँ। PVIFA कैसे निकालते हैं? कैलकुलेटर में आपको सिखाया FM क्लास में, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 5 बार और GT बटन दबा दो, कितना आ रहा है? 3.432 प्लस 64,000 इंटू 0.519 लास्ट ईयर का, तो सॉल्व करने से आ रहा है 307, हाँ बोलो बेटा, 776। तो एक ऊपर का एक नीचे का आ गया, नाउ वी विल अप्लाई इंटरपोलेशन। तो 10 में आ रहा है 342994, 14 में आ रहा है 307776, एक्स में मांगता है अपन को 3,20,000, दिस माइनस दिस एक्स माइनस 10/14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 320 माइनस 342994 30776 माइनस 342994। तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग 2-3 स्टेप का और आंसर मुझको बताइए। कितना? 12.61%।
तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 12.61 मेरा IIR आ रहा है FM की लैंग्वेज में अगर बात करें तो. इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ FM लैंग्वेज इट इज 12.61%. तो ये मेरा इंटरेस्ट रेट निकला इंप्लिसिट इन द लीज. अब लेसी विल रिकॉर्ड एसेट एंड लाइबिलिटी एट लोअर ऑफ द फॉलोइंग. नंबर ए फेयर वैल्यू कितना है? 3,20,000. नंबर टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी और इसमें डिस्काउंट रेट लेंगे हम लोग 12.61%. समझ में आ रहा है? पहले अपना ये इंटरेस्ट रेट आ गया ना, डिस्काउंट रेट आ गया. प्रेजेंट वैल्यू निकालो MLP लेसी का और फेयर वैल्यू दोनों में जो लोअर होगा उसको एसेट देन लाइबिलिटी दिखाएंगे लेसी के बुक्स में. तो कैसे होगा? अस्सी हजार इंटू PVIF ए 12.61% कॉमा फाइव ईयर प्लस MLP लेसी में खाली गारंटीड पार्ट लेंगे इंटू PVIF 12.61% कॉमा फिफ्थ ईयर. जो भी आएगा यहां बैठाएंगे. इन दोनों में जो लोअर होगा एसेट एंड लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड एट दिस प्राइस. ये नहीं पता था तो पहले इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट करके निकाला. इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट करके इसको निकाला. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेसी में खाली गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लिया जाएगा, अनगारंटीड नहीं लेंगे. वो इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट निकालते वक्त इसको लिया गया है. ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर टू. आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और मैं होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन थ्री. क्वेश्चन थ्री का खाली यही पार्ट करना है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंप्लीसिट वाला पार्ट वो लोग कर चुका है. देखिए इंप्लीसिट इंटरेस्ट रेट दे दिया. ठीक है, ओके.